This is my Meesho story. I am Sneha Das from Kolkata. मैंने मीशो की जर्नी 2018 में 2 साल पहले स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। लोग ना मुझे जानते थे ना मुझे पहचानते थे, बट आज मैं एक पावरफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, एक बिजनेस वुमेन हूँ, सिर्फ और सिर्फ मीशो की वजह से। मीशो ने आज मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करने में बहुत ही मदद की है। मीशो ना होता तो आज मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। कभी भी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना आगे जाऊँगी, इतना इनकम करूँगी। आज मैं अपनी इतनी इनकम करती हूँ कि मैं अपने बच्चे की स्टडी मैं खुद देख रही हूँ। मैं अपने इन लॉज को हेल्प कर रही हूँ, अपनी मदर को हेल्प कर रही हूँ फाइनेंशियली। मैं अभी स्ट्रांग हो गई हूँ। पहले मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, तो सच बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। कम उम्र में शादी हो गई, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाई। सपने बहुत हैं मेरे, मैंने सब कुछ सोच के रखा था कि मुझे क्या करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता अगर मीशो मेरे साथ ना होता। आज मैं अपने सपनों को धीरे धीरे पूरा कर रही हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ मीशो की वजह से। कई लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन नहीं, आज मैं कर दिखाई हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं और ये मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ मीशो की वजह से है। मुझे आइडेंटिटी देने के लिए मैं मीशो को तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मीशो आज ना होता तो मैं आज यहाँ तक कभी आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। क्योंकि एक स्टैंड होने के लिए एक जरिए की ज़रूरत होती है, वो जरिया मुझे मीशो ने दिया। आज 2 साल में मेरा इनकम इतना अच्छा हो चुका है कि मेरा आज खुद का बैंक बैलेंस है, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। खुद का बैंक बैलेंस है, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर पा रही हूँ, घर में नई नई चीज़ें मैं खुद खरीद के ला पा रही हूँ, अपने बच्चे की स्टडी देख पा रही हूँ, अपनी मदर को सपोर्ट कर पा रही हूँ। और एक हाउसवाइफ को क्या चाहिए होता है? कुछ भी नहीं। बस मैं मीशो के साथ ऐसे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। मीशो, थैंक यू सो मच। मीशो, माई स्टोर, माई स्टोरी। Thank you.